लव जिहाद या अपहरण या प्रेम प्रसंग, क्या है पुलिस लाइन में से अगवा की गई युवती का सच? 18 मई को दोपहर को पुलिस लाइन में रहने वाली एक युवती को अगवा करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आज परिजनों ने एवं समाज बंधुओं के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। बता दें कि 18 तारीख को दोपहर में खुशबू भदौरिया अपने घर पर थी, जिसके बाद आरोपी इमरान उसे अगवा कर घर ले गया। वहीं इमरान एक रसूखदार परिवार से संबंध रखता है, इसी वजह से पुलिस भी उस पर कार्रवाई करने में कतरा रही है, ऐसा परिवारजनों का आरोप है। परिजनों ने लिखित आवेदन में कैंट थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय एवं हरिओम रघुवंशी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आवेदन आज पुलिस अधीक्षक को दिया गया। साथ ही यह भी बोला गया कि यदि युवती की लोकेशन जल्द ही ट्रेस नहीं की जाती और इमरान के परिजनों से कड़ी पूछताछ नहीं की जाती तो 2 दिन के भीतर समस्त क्षत्रिय राजपूत समाज और हिंदू जागरण मंच एवं हिंदू समाज के द्वारा थाने का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि खुशबू के पिता कुछ भी बोल पाने में असमर्थ हैं और हर समय सदमे की वजह से रोते रहते हैं। साथ ही परिवारजनों का कहना है कि 2-3 बार आवेदन देने के बाद भी थाना प्रभारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अब देखने लायक होगा कि परिवारजनों का आरोप है कि यह लव जिहाद का मामला है तो इस पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि परिजनों के अनुसार इमरान कुछ दिन पूर्व ही जेल से रिहा हुआ था। केवल FIR लिख लिए, इनको वहां पर बुलाकर ये उठाया जाता है कि तुम राजनीति कर रहे हो। सर, जिसके परिवार के साथ ऐसा हुआ वो राजनीति नहीं करेगा, वो बहुत पीड़ित है। इसलिए सर हम लोगों को खुद सामने आना पड़ा उनके साथ में। इन्होंने किसी को नहीं बुलाया, हम लोग इनके साथ में आए हैं, वो आना पड़ेगा सर हम, क्योंकि ऐसी घटना लगातार हो रही है। आप हर 2-3 दिन 5 दिन में सर ऐसी घटना हो रही है घटना ऐसी, सर इसको रोक ना। बोलो ना, क्या हुआ? जो 2 महीना पहले MUU पार्षद है उसकी घरवाली ने बच्ची को रूम में 2 मिनट के लिए घर पर बुलाए, बच्ची ने आके घर पे कहा वो, उसने ये कहा कि बेटा जी हमारे इमरान के साथ शादी कर। बच्ची ने कहा कि कैसी बात कर रही हूँ, मैं हिंदू, मेरे परिवार वालों को अगर जरा सा भी पता पड़ गया तो मेरे को ही खत्म कर। बच्ची ने आके घर पे कहा, उसकी माँ ने मेरे को बताया सर मैंने अपनी इज्जत की वजह से, मैंने अब आप बताओ भाई मुझे सो गया तो आपको कभी फोन खो जाएगा, मेरी गलत होती तो घर पे क्यों कहती सर। से कम उनके घर वालों से थाने में बुला के वो अच्छी तरह पूछताछ की जाए, उन्हें सबको बताया कि लड़का कब कहाँ था, लड़की को लेकर कहाँ पहुँचा है। और वो लड़का सर बहुत बदमाश है, 6 महीने पहले वो जमानत तो छूट लोकेशन भी उनको बताई कि उनकी लोकेशन इंदौर भी थी 15-16 तारीख को, फिर कोटा भी थी, और ये भी उनको कहा कि आप जो है कब से हुआ भाई साहब, तो क्या पहले पुलिस को बताया गया था, उसके बाद हुआ कुछ कार्रवाई? क्या पता, कुछ भी नहीं पता चल पा रहा ना, उनके परिवार वालों को पटक रहे ना कि जूद प्रेशर मत रहा। कौन है आरोपी? आरोपी का नाम बताओ। आरोपी इमरान है, अंजू पार्षद का भतीजा। आपने लिखित आवेदन दिया क्या? FIR है, मुकदमा कायम है, कार्रवाई नहीं की गई। जबकि वो आरोपी पेशेवर बदमाश है, वो पिछले 6 महीने पहले जमानत पर रिहा हुआ है। 18 तारीख को वो कैंट क्षेत्र से एक भदौरिया परिवार की लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। वो पूरा लव जिहाद का ही मामला है, और बड़ी मुश्किल से फरियादी के पिता के द्वारा वहाँ कैंट थाने में FIR दर्ज कराई गई। और 18 तारीख के बाद हम सभी समाज के लोग ये 21 तारीख को जाकर TI साहब से वहाँ मिले थे, और उनके द्वारा भी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया हमें कि वो उनके द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ सामान्य पूछताछ उस लड़के के परिवार वालों से की जा रही है। जबकि सभी जानते हैं कि वो लड़का लगातार अपने परिवार के संपर्क में है और कहां पर है, ये जानकारी उसके परिवार वालों को पूरी तरह से। ये जो इमरान नाम का लड़का है ये यहाँ पार्षद का भतीजा है, और वो पार्षद कांग्रेस से बिलोंग करता है, और उसे पूरा यहाँ पर कांग्रेसियों का सपोर्ट मिल रहा है, इसी कारण से थाने से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 21 तारीख के बाद हम लोगों ने आज 27 तारीख को यहाँ SP साहब से मिलकर जो है उसे गिरफ्तार करने और उसके बारे में पूछताछ के लिए, उसके परिवार को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए ज्ञापन दिया है। SP साहब द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है उसके खिलाफ और उसके घरवालों से यदि कड़ी पूछताछ नहीं की गई तो हमारे द्वारा 2 दिन के बाद में थाने का घेराव किया जाएगा, और उग्र प्रदर्शन आंदोलन के लिए हम सभी समाज के लोग, सभी हिंदू समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग तैयार हैं, और थाने का घेराव हम लोग करेंगे, और किसी भी तरह से उस लड़की को हमें वापस लेकर आना है। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, कोई भी थाने को अगर यदि आप देखें तो वहाँ
इस तरह की घटनाएं हर 5-6 दिनों में देखने को मिल रही पहले भी दे दिया। दो ज्ञापन हमारे द्वारा पहले दिए जा चुके हैं। लड़की के पिता बहुत ही पीड़ित हैं और कई बार ये उसके बाद उससे संपर्क करने के लिए कोशिश कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। ये क्या है, आज से 8 महीने पहले भी एक पायगा मोहल्ला की ससुरिया उसकी लड़की थी, उसको भी एक मुसलमान मुस्लिम समाज का युवक लेके गिले किया था, तब भी हम लोगों ने भूत ज्ञापन दिए, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। ये लव जिहाद का आज एक और मुद्दा आ गया, इसके पहले भी कई मुद्दे लव जिहाद से आ चुके हैं और पूरा का पूरा मामला ये लव जिहाद का है। और वो लड़की के पिताजी ने तो हमें बताया है, उसके पहले दो लड़की की चाची इसमें शामिल है, चाची ने उससे पहले भी कहा था कई दिनों बाद तू ये कोई पानी या कोई बहुत वगैरह कुछ था राजी से नहीं जाएगी, राजी से नहीं जाएगी तो हम गैर राजी से ले जाएंगे।